जिला बुलंदशहर में भी 29 जनवरी भारत बंद का असर खुर्जा के कुछ स्थानों पर देखने को मिला है, जहां मुस्लिम समाज के लोग CAA और NRC को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक लोगों का केंद्र सरकार पर आरोप है कि उन्होंने एक देश विरोधी कानून बनाया है, जिसे वो काला कानून मानते हैं, और वो सरकार को इस कानून को वापस लेने के लिए धरने पर बैठे हैं। वहीं खुर्जा में लगने वाला साप्ताहिक बाजार भी आज नहीं लगा। जिला बुलंदशहर में आज अल्पसंख्यक समाज के लोग NRC और CAA कानून को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। थाना खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के तरीनान इलाके में मुस्लिम समाज के लोग CAA और NRC और NPR कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार CAA और NRC जैसे कानून लेकर आई है, अल्पसंख्यक समाज के लोग इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कानून काला कानून है, जो कि समाज में अल्पसंख्यकों और दलितों के विरोध में है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि जब तक सरकार CAA और NRC को वापस नहीं लेगी, तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे उनकी जान ही चली जाए। सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ की मांग लेकर के बैठे हुए हैं। ये NRC नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये बहुत गलत हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है, ये हर एक इंसान को टारगेट बनाया जा रहा है। दलित भाई हैं, सभी हैं, हमारे ओले ओले लेकर के सभी को टारगेट बनाया जा रहा है। NRC ये लागू नहीं होना चाहिए, हम इसी चीज़ को यहाँ पर लेकर के बैठे हुए हैं। हर से मांगे हमारी, काला कानून जो बनाया सरकार ने, वो अपना काला कानून वापस ले। क्या कानून? CAA और NRC वाला जो है, ये जब तक वापस नहीं होगा हम धरने से हटेंगे नहीं। तो क्या क्या मांग रखी है आपने सरकार? सरकार से ये मांगे बस, हमारी ये हिंदू मुसलमान के ऊपर देश को बांट रही है, हिंदू मुसलमान झगड़ा कराना चाहते हैं, बस ये काला कानून वापस ले ले, CAA और NRC वाला। अच्छा, तो कब तक धरने पर बैठेंगे? जब तक ये हटेगा नहीं, चाहे उसमें हमारी जान चली जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हमारी मांग केवल सरकार से ये है कि वो CAA जो एक्ट बन चुका है उसको सरकार वापस ले, और NRC NPR देश में लागू नहीं हो। केवल हम इसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 तारीख है, हमने भी अपनी सभी दुकानें बंद रखी हैं और बुध बाजार भी बंद है, आज लगा नहीं है, जिसमें 2000 से 2500 तक दुकानदार दुकान लगाते हैं, यहाँ पर बाजार लगता है, लेकिन वो सब इसी के विरोध में, CAA के विरोध में, NRC के विरोध में और NPR के विरोध में, कि सरकार इसे लागू ना करे और CAA वापस ले। वहीं दूसरी ओर खुर्जा क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार भी 29 जनवरी भारत बंद तहत आज नहीं लग पाया। साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले आमिर की माने तो बुधवार के दिन खुर्जा इलाके में साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें करीब 2000 दुकानें लगती हैं। साप्ताहिक बाजार में दुकानें लगाने वालों ने भी साथ मिलकर आज अपना बाजार बंद रखने का फैसला किया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।